हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत क्रिएटिविटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से आपके साथ जो मैं ट्रिक शेयर करने आई हूँ वो कर देती हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें आप फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम कैसे कर सकते हैं, ये मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये एक फंक्शन हमारी मशीन में होता है जिसको राइट साइड करने से स्पिन लिखा हुआ आता है और लेफ्ट साइड करने से वॉश लिखा हुआ आता है। अगर आप वॉश की साइड पे करके और टैप ऑन करते हो तो पानी वॉशिंग पार्ट में आएगा, और अगर आप यही फंक्शन स्पिन वाली साइड करके करते हो तो पानी स्पिनिंग पार्ट में आएगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, ये पानी ऐसे ऑन करके कपड़े इस साइड से उठाकर स्पिनिंग पार्ट पे डाल के, और ये फंक्शन स्पिन की साइड कर देना है, और बस फिर क्या करना, एक दो बार कपड़ों को ऐसे ऐसे करके और मशीन बंद करके टाइमर ऑन कर देना है। ये हमारा ड्रेन पर रहेगा और ये हमने तब तक देखना है जब तक पानी साफ ना आने लग जाए। मैं जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो पानी थोड़ा सा आ रहा है सर्फ के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। ये बड़े काम आने वाली सेटिंग है गाइस, और ये देखिए पानी बिल्कुल साफ आना शुरू हो गया। कई बार हम जल्दी में होते हैं जिसकी वजह से हमें बड़ा टाइम लग जाता है कपड़े बाहर निकाल के निचोड़ने में, तो अब ये काम हो गया आसान। और देखिए पानी कितना साफ आ रहा है। अगर तो पानी साफ आ रहा है इट मीन्स हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो चुके हैं। अब हमने पानी को कर देना है वो, ठीक है। अगर तो आपने कपड़ों को ड्रेन करना है ड्रेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मशीन में से निकाल के कपड़ों को बाहर सुखा भी सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड, किस किस को इस सेटिंग का पहले से पता था, और कौन कौन इस सेटिंग को मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर से ट्राई करेगा। अगर आपको वीडियो और ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।